नमस्कार, कभी किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और आजकल गोभी बहुत अच्छी आ रही है बाजार में। आज हम आपको गोभी के एक नई तरह से पराठे बनाना बताएंगे, गोभी के सूजी से बनने वाले पराठे। सूजी का गोभी पराठा भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही आसान, एकदम मक्खन जैसे मुलायम पराठे ये बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई झंझट नहीं कि गोभी भरो तो पराठे फट रहे हैं। फटाफट ये पराठे बहुत ही आसानी से टेस्टी पराठे बन जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गोभी पराठा बनाने के लिए हमने ये एक कप बारीक वाली सूजी ले ली है, क्योंकि सूजी से हम बना रहे हैं तो सूजी हमने ले ली है। मसालों में हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हमने ये लाल मिर्च ले ली है। इसके अलावा गोभी पराठा है तो गोभी तो लगेगी ही, हमने एक कप गोभी ले लिए तो इसे हम चॉप करेंगे। काफ़ी सारा हरा धनिया लिया है, एक इंच अदरक, एक बड़ी साइज़ का ही गार्लिक है तो एक ले लिया है, छोटे हैं तो आप कई सारे ले सकते हैं। एक हमने हरी मिर्च ले ली है, तो ये सारी चीज़ें हमें बारीक एकदम चॉप करके ले लिए है। गोभी को हमने गर्म पानी में डाल के और साफ करके ले लिया है। तो चलिए पहले इसे हम चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो ये पेस्ट भी बना सकते हैं, गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। हमारे पास चॉपर है तो हम चॉपर में डाल के फटाफट इसे चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के चॉप कर लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छा बारीक ये चॉप हो गया, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में गोभी को भी चॉप कर लेते हैं। गोभी को इसी में डाल के हम एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। ये देखिए गोभी भी एकदम अच्छी बारीक चॉप होके तैयार हो गई है, तो इसे भी वापस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम चलिए इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, पहले कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। तेल में हल्का सा एक चौथाई चम्मच हमने जीरा और एक चुटकी हींग ले ली है, तो इसे डाल देते हैं, हल्का सा तड़क जाने देते हैं इसे। ये देखिए जीरा तड़क गया है, तो इसमें हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन वाला जो हमने चॉप करके लिया था ये इसमें डाल देते हैं हल्का सा। इसे हम धीमी आंच पे भून लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये मसाला भुन गया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन अवॉइड कर दें, या अगर आप प्याज भी डालना चाहें तो इस समय इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। ये हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छा सा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं। गोभी को भी हमें इसी तरह से इसमें डाल के भूनना है, तो तेल में हम इसे थोड़ा सा गोभी को भून लेते हैं। भूनने से बहुत ही अच्छा गोभी का जो कच्चापन है निकल जाता है और बहुत ही अच्छा भुना हुआ सा जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो गोभी को धीमी धीमी आंच पे हमने हल्का सा भून लिया। ये देखिए इस तरह से लगातार तेज आंच नहीं करेंगे तो गोभी जल जाएगी। थोड़ा सा भूनेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। तो गोभी हमने 1 कप ली थी और इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला। इसमें नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर जो हमने लिया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम एक उबाल आ जाने देते हैं। आंच चाहे तो तेज कर दें जिसमें जल्दी से उबाल आ जाए इसमें। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालेंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालना बहुत जरूरी नहीं, एकदम से डाल देंगे तो सूजी बहुत जल्दी पकती है और गाठे पड़ जाती है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए सारी सूजी हमने डाल दी है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी सूजी पक गई और ये मिश्रण गाढ़ा हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। हमें इसे एकदम आटे जैसा, जैसा पराठे रोटी का गाढ़ा सूखा आटा हो जाता है उतना हमें इसे पकाना है। तो ये ठंडा होने के बाद भी पक जाता है। तो गैस हमने बंद कर दिया क्योंकि ये हो गया है। अब इसे ढक देते हैं और 10-15 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो ये देखिए ये मिश्रण ठंडा होने के बाद कितना सूखा हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बाकी की चीजें मिला देते हैं। तो हरा धनिया हम इसमें मिला देते हैं
और इसे हम कूट के एकदम आटे की तरह कर लेते हैं। थोड़ा सा हम अगर इसे गीला लगेगा हमें तो हम इसमें सूखा आटा, गेहूं का आटा हम इसमें मिलाएंगे। तो ये देखिए आधा कप हम इसमें गेहूं का आटा मिला देते हैं, जैसे ये एकदम अच्छा टाइट गूंज जाए, जैसे कि रोटी पराठे का आटा होता है, बिल्कुल वैसे ही हम इसे गूंद लेंगे। बस ज्यादा आटा नहीं मिलाना है, अगर आपको गीला लगे तो थोड़ा और मिला ले। हमने इसमें आधा कप आटा इसमें मिलाया है बस, और ये तैयार हो गया। तो हाथों में हम तेल लगा के इसे चिकना कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा गोभी पराठे का सूजी वाला आटा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इससे पराठे बना लेते हैं। तो थोड़ी सी इसकी लोई जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है, नॉर्मल रोटी पराठे से हल्की सी बड़ी हम लोई इसकी रखेंगे। और इसे इस तरह से लोई बना के हम सूखे आटे में डिप करके और बेल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट आटा होता है, बहुत ही हल्के आंच से हमें इसे बेलना है। तो थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसे, बहुत पतला नहीं रखेंगे। छोटे छोटे से पराठे हम इसके बेल लेते हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और ये देखिए ये एक हमारा पराठा बिल गया है। तो तवा भी गर्म हो गया है, तवे पे हल्का सा हम चिकना कर लेते हैं, तेल लगा देते हैं हल्का सा। आप तेल में घी में जो भी आप पसंद करते हैं उसमें इसे सेक लें। तो तवे के ऊपर हम ये पराठा डाल देते हैं, तवे पे पराठा डाल देते हैं और तब तक के हम दूसरा पराठा इधर बेल लेते हैं। उसी तरह से बस सूखे आटे में हम डिप करेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से बिल जाता है। ये देखिए बहुत ही बस हल्के हल्के हाथों से बहुत ही आसानी से आप इसे बेल के, आप चाहें तो थोड़े से बेल के रख लें और फिर एक साथ सेक लें, या एक एक बेलते जाएं, एक एक सेकते जाएं, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए तो जो तवे पे हमारा पराठा पड़ा है ये देखिए हल्का सा मोटा ही रखना है, नॉर्मल रोटी से हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसे। तो ये देखिए तवे वाला पराठा एक साइड से सिक गया है, तो इसे अब हम पलट देते हैं। पलट के हम इस पे तेल लगा के और अच्छा सा चित्ती पड़ने तक, अच्छा सा गोल्डन और क्रिस्पी हल्की सी चित्तियाँ पड़ जाती हैं तो उतना हमें इसे सेकना है। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा दबा के हम इसे सेक लेते हैं। दोनों तरफ से इसी तरह से तेल लगाएंगे और हल्के हल्के से दबाते हुए इसे हम सेक लेंगे, चित्तियाँ पड़ने देंगे इसमें हम। देखिए चित्तियां पड़ गई हैं, इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का सा दबा के सेक लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पराठा सिक गया है, इसे निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा हम तवे पे डाल के इसी तरह से हम सारे पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी के गोभी पराठे बन के तैयार हो गया। और ये देखिए कितना मुलायम एकदम मक्खन जैसा ये पराठा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे धनिया की चटनी के साथ या फिर दही के साथ या फिर किसी भी मनपसंद अचार के साथ सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।